नमस्कार, आप देख रहे हैं CTTV24 यू चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। फरमान अब्बासी ने तथा कथित संपादक मुशर्रफ सिद्दीकी की पुलिस में की शिकायत है, सो सिविल लाइन ने कार्रवाई का दिया आदेश। शहर के मशहूर लेखक व पत्रकार फरमान अब्बासी ने दैनिक अमन के सिपाही अखबार के संपादक के खिलाफ थाना सिविल लाइन में शिकायत की है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए फरमान अब्बासी को इंसाफ दिलाने की बात कही है। अधीनस्थों को उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फरमान अब्बासी ने मुशर्रफ सिद्दीकी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रुपए हड़प लिए और मांगने पर उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अभद्र व्यवहार व मारपीट की है। फरमान अब्बासी ने उक्त लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना सिविल लाइन प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर के फोन मिलाने पर मुशर्रफ सिद्दीकी ने अपना फोन किसी महिला को दे दिया था और बाद में स्विच ऑफ कर दिया। उसके अन्य सहयोगी संपादक ने भी फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद थाना प्रभारी ने SI को कार्रवाई करने के आदेश दिए। मामला उच्च अधिकारियों तक भी पहुँच गया था। बता दें कि ऐसे तथाकथित संपादकों की बाढ़ सी आ गई है, जिनके अखबार मात्र PD अब तक सीमित हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जरूरी है जो पत्रकारिता के नाम को कलंकित कर रहे हैं। फरमान अब्बासी को दिया गया चेक भी बाउंस हो गया। इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला ये है कि मैं एक पत्रकार हूँ, ऑपरेटिंग का काम भी करता हूँ, अखबार बनाने का डिजाइनर हूँ और एक लेखक भी हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से, करीब कई महीनों से, मुशर्रफ सिद्दीकी जो दैनिक अमन सिपाही करके एक अखबार है उसके संपादक हैं, उन्होंने मुझे अपना अखबार बनाने के लिए कई बार कहा, घर पे भी गए हुए और लोगों से भी उन्होंने कहलवाया कि भाई हमारा अखबार बना। मैं मना करता रहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए मैं कर नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने मीडिया क्लब के कुछ लोगों से कहा, दो चार से, कि भाई फरमान से बुला लो। मैं चला गया उनकी मौजूदगी में। उसने सैलरी के लिए 15,000 रुपये अखबार बनाने के तौर पर उन्होंने तय किए और करीब 2 महीने तक काम कराया। 2 महीने के बाद मैंने कहा, भाई रोजाना यही टाल मटोल के आज निकल, मतलब मैं अब बिल्कुल नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे पिछले। तो उस इंसान ने मुझे ये कहा कि भाई पैसे तो मिलने के नहीं, अगर अखबार बनाता हो आगे तक तो मैं अगले महीने दे दूंगा, अब मैं पैसे नहीं देने का, वरना पिछले महीने के भी नहीं देने का। खैर, मैंने ये बात मीडिया कलम वालों के सामने भी रखी और पत्रकारों के सामने भी रखी, उन्होंने तो बुलाया भी। क्या आपने करीब 30,000 रुपये है, 2 महीने काम किया है, 30,000 रुपये हैं, और उन्होंने चेक भी दिया था, वो चेक बाउंस हो गया। ठीक है, अब मैंने थाना सिविल लाइन गया, मैंने थाना से मैं मिला, उनसे मैंने सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने रखा था। इंस्पेक्टर साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, फ़ोन भी मिलाया, फ़ोन उन्होंने उठाया, फ़ोन बंद हो गया। लेकिन फिर इंस्पेक्टर साहब ने SSI साहब को कहा कि भाई इस मामले में कार्रवाई करें और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के लोग जो फर्जी तरीके से अपने अखबार चला रहे हैं, PDF पे अपने अखबार चला रहे हैं, जिनके ज़मीन पे अखबार निकल नहीं रहे, जो अखबार निकालने में सक्षम नहीं है, प्रिंटिंग करने में सक्षम नहीं है, सिर्फ हम जैसे लोगों को किसी से 1 महीना, किसी से 2 महीना काम करा के PDF निकाल के लोगों में ये दर्शाना चाहते हैं कि हम संपादक हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके अखबार नहीं छप रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे शहर के अंदर बेशुमार अखबार जो डेली छपते हैं, मुजफ्फरनगर बुलेटिन है, पश्चिम प्रांत बुलेटिन है, जो लोकल में भी है, रॉयल बुलेटिन है, और भी काफ़ी सारे अखबार हैं जो डेली छपते हैं, जिनका अपना वजूद है। लेकिन इनके अलावा बहुत अखबार ऐसे हैं जो सिर्फ PDF पे चल रहे हैं, और वो PDF पे चलाने के बाद कई लोगों के तो कार्ड जारी कर देते हैं। पत्रकार बेशुमार जो है शहर में पत्रकार जो है वे पैदा कर देते हैं, और पत्रकारिता की जो छवि है वो धूमिल हो गई है इन चीज़ों से। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।